हेलो। हाँ, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है पीके तिवारी। स्वागत का है आपका Plus 24/7 में। आज जैसा कि आप टॉपिक देख रहे हैं आर्टिकल, आर्टिकल में हमें बात करना है कि आर्टिकल कैसे उपयोग करना है, कहाँ लगाना है। इंग्लिश के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि आप कोई भी एग्जाम देते हैं तो जब तक आप आर्टिकल आप अच्छे ढंग से नहीं आते तो इंग्लिश में इम्पॉसिबल होता है भाई साहब। तो आर्टिकल जानने के लिए पहले हम समझते हैं आर्टिकल है क्या। देखिए, आर्टिकल के कई मीनिंग निकलते हैं। एक तो जैसे आर्टिकल ये हो गया कि भाई आप संविधान देखोगे ना, संविधान में जैसे आर्टिकल 20, आर्टिकल 25, आर्टिकल 19, इस तरह से, तो वो भी आर्टिकल हो गया। दूसरा, आप यदि हिंदू न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो उसमें भी आर्टिकल छपी होती है, वो भी आर्टिकल हो गया। तीसरा, आर्टिकल आप किसको बोल सकते हैं, आभूषण को बोल सकते हैं, गहनों को बोल सकते हैं, ये भी आर्टिकल हो गया। लेकिन बेसिक जो आर्टिकल होता है वो आर्टिकल है क्या, आर्टिकल कैसे यूज किया जाता है। देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट है कि आर्टिकल फर्स्ट कितने टाइप से होते हैं, टू टाइप्स होते हैं। बहुत ही सिंपल है, एक होता है क्या डिफिनिट, एक होता है इनडिफिनिट। एक हो गया डिफिनिट और दूसरा हो गया इनडिफिनिट। इनडिफिनिट, अब देखिए डिफिनिट में क्या होता है कि डिफिनिट हम किसे कहेंगे। देखिए, डिफिनिट का अर्थ ही होता है क्या, निश्चित। लेकिन इनडिफिनिट का मतलब क्या हो गया, अनिश्चित। तो अनिश्चित में हम किसो ले ले, अनिश्चित में हम ले लेते हैं ए और एन, ये क्या हो गया, अनिश्चित हो गया। लेकिन यदि हम बात करें डिफिनिट की तो डिफिनिट आर्टिकल हो जाएगा आपका द। अब इसको समझते हैं कि भाई साहब कि ये ए एन को हम निश्चित क्यों बोलते हैं और द को अनिश्चित क्यों बोलते हैं, क्या कारण है, इसको अनिश्चित क्यों बोलते हैं, द को निश्चित क्यों बोलते हैं, व्हाट इज द रीजन बिटवीन बोथ ऑफ डिफिनिट एंड इनडिफिनिट। सो फर्स्ट होता है कि जैसे देखिए, मान लीजिए आप कहीं जा रहे हैं और आपसे कोई व्यक्ति मिल रहा है जिसे आप नहीं पहचानते, तो वो आपके लिए क्या हो गया, इनडिफिनिट, अनिश्चित। लेकिन यदि आप उसको पहचानते हैं तो वो आपके लिए क्या होगा, निश्चित होगा। क्या होगा आपके लिए, निश्चित हो जाएगा। उसमें हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। जैसे मान लीजिए, एक एग्जाम्पल देखते हैं सिंपल। देयर इज अ पेन, देयर इज अ पेन, केप्ट ऑन द टेबल। अब ये क्या बोल रहा है, देयर इज अ पेन केप्ट ऑन द टेबल, मतलब पेन कहाँ रखा भैया, टेबल पर रखा है। पेन कहाँ रखा है, टेबल पर। तो ये निश्चित हुआ, नहीं भाई, बहुत सारे पेन हैं जो टेबल पे रखे हैं, कोई निश्चित नहीं हुआ। लेकिन इसी में यदि मैं एक वाक्य जोड़ दूं, क्या बोल दूं, देयर इज अ पेन, केप्ट ऑन द टेबल, विच इज गिवेन बाई माई फ्रेंड। ठीक है, गिवेन बाई माई फ्रेंड। तो अब देखिए, क्या यहां ए लगेगा, देयर इज अ पेन केप्ट ऑन द टेबल विच इज गिवेन बाई माई फ्रेंड। अब यहां क्या हो रहा है कि जो पेन टेबल पे रखा है वो किसके द्वारा दिया गया, मेरे को, मेरे दोस्त के द्वारा। इन्हें मेरे दोस्त के द्वारा दिया गया, मतलब मैं उस पेन को पहले से पहचानता हूं। लेकिन यदि पेन कहां रखा है, टेबल में, तो उसके बारे में मुझे कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है।
लेकिन ये पेन जो टेबल पे रखा है इसे किसने दिया मुझे? मेरे फ्रेंड ने। मतलब यहाँ क्या हो रहा कि वाक्य निश्चित हो रहा कि भाई साहब हमको वो पेन किसने डिनोट किया? वो हमारे फ्रेंड ने डिनोट किया। तो जब फ्रेंड ने डिनोट किया तो हम यहाँ ए पेन नहीं लगाएंगे, यहाँ क्या लगा देंगे? द पेन। यहाँ क्या लग जाएगा? द पेन। और यहाँ क्या लगा है? ए पेन। तो देयर इज अ पेन केप्ट ऑन द टेबल, इसे मैं नहीं जानता हूँ, तो ये क्या कहलाएगा? इनडिफिनिट, आई एन डी ई एफ आई एन आई टी ई, इनडिफिनिट आर्टिकल। लेकिन जिस पेन, जो पेन एक और टेबल पे रखा है उसको मेरे फ्रेंड के द्वारा मुझे गिफ्ट किया गया, इसलिए क्या हो गया? डिफिनिट हो गया। और डिफिनिट हो गया तो यहां मैंने क्या आर्टिकल लगा दिया? द लगा दिया। ओके, ये हो गया एक बेसिक सा फंडा कि द और ए एन कहां लगेगा। दूसरी एक चीज ये होती है कि आर्टिकल इज ऑलवेज क्वालिफाई द नाउन। आर्टिकल किसे क्वालिफाई करता है? नाउन को। आर्टिकल इज नॉट क्वालिफाई प्रोनाउन। क्वालिफाई मतलब क्या होगा? आर्टिकल इज ऑलवेज क्वालिफाई नाउन। नोट्स में आप लिख लीजिएगा, आर्टिकल इज क्वालिफाई नाउन। आर्टिकल नाउन को क्वालिफाई करता है। ये क्वालिफाई करता है कि मतलब क्या? जैसे आप ये बोल सकते हैं कि मैंने ये एग्जाम क्वालिफाई कर ली, मतलब कि आप उस एग्जाम, उस स्टेज को बहुत अच्छे से जानते थे, इसलिए आपने उसे क्या किया? क्वालिफाई कर लिया। इसी तरह से आर्टिकल ना जब किसी को जानता है तभी वो क्या करते हैं? उसको क्वालिफाई करता है। अब इसमें हम कुछ सिंपल सा एग्जाम्पल देखेंगे। जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं, प्रिया इज अ ऑनेस्ट। दूसरा ले लिए हम, प्रिया इज अ ऑनेस्ट गर्ल। फिर ले लिए, प्रिया इज अ ऑनेस्ट गर्ल, प्रिया इज अ ऑनेस्ट, फिर प्रिया इज अ ऑनेस्ट गर्ल। तीसरा हम ये भी लिख सकते हैं, प्रिया इज ऑनेस्ट। अब यहां देखिए, मैं बात करूंगा साउंड के बारे में कि ए एन और दा का प्रयोग कैसे किया जाता है, बेसिक से स्टार्ट करूंगा, लेकिन उसके पहले थोड़ा इंट्रोडक्शन। प्रिया इज ऑनेस्ट। ऑनेस्ट क्या है? ईमानदारी। ईमानदारी किसी का नाम तो नहीं हो सकता ना, ये छुआ जा सकता है? नहीं छुआ जा सकता भाई साहब, ये किसी का नाम है? नहीं नहीं, ईमानदारी किसी का, ईमानदार ऐसा कोई नहीं बोलता ना, ना तो इसको टच कर सकते हो कि यार उसकी ईमानदारी तो मैंने टच करके देखा है, वो ईमानदार है, वो दिखता, मतलब उसके चेहरे में ऐसा कुछ लिखा है, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं। तो ये फर्स्ट क्या नहीं है? ये नाउन नहीं है। लेकिन हमारा शर्त क्या है कि आर्टिकल इज ऑलवेज क्वालिफाई अ नाउन। आर्टिकल हमेशा क्या करेगा? कि नाउन को क्वालिफाई करेगा। यहां देखते हैं, गर्ल, यस गर्ल इज नाउन, गर्ल नाउन है, और गर्ल को कौन क्वालिफाई कर रहा? एडजेक्टिव। ये एडजेक्टिव क्या है? ये क्या है? एडजेक्टिव है। यहां नाउन नहीं है, और नाउन नहीं है इसलिए यहां आर्टिकल ए का प्रयोग नहीं होगा। लेकिन प्रिया इज ऑनेस्ट गर्ल, मतलब प्रिया ऑनेस्ट यानी ईमानदार लड़की है, तो ये गर्ल, ये नाउन हो गया, और नाउन को ये एडजेक्टिव जो इसकी विशेषता बता रही है, गर्ल की, इस लड़की की विशेषता कौन बता रही है? ये ऑनेस्ट। इसलिए ये क्या होगा? ये क्या हो जाएगा आपका? ओ सॉरी, एन होगा।
ये आपका क्या हो जाएगा, राइट आर्ट राइट सेंटेंस हो जाएगा। क्यों? क्योंकि प्रिया इज ऑनेस्ट। अब देखिए इसमें एक चीज ये होता है ऑनेस्ट, यहाँ एच लगा है, लेकिन इसके बारे में बाद में डिस्कशन करेंगे, बहुत अच्छे ढंग से डिस्कशन करेंगे ऑनेस्ट के बारे में। लेकिन यहाँ ऑनेस्ट जब हम बोलते हैं तो ऑनेस्ट हमारा वाक्य किससे स्टार्ट हो रहा, आ से, और आ क्या है, वोवेल है, और वोवेल है इसलिए क्या लगेगा, एन लगेगा, एन का यूज होगा। अब ये बताइए क्या ये सही है, प्रिया इज ऑनेस्ट, यहाँ कोई आर्टिकल नहीं है। तो भाई साहब यदि नाउन नहीं है तो आर्टिकल किसको क्वालिफाई कर रहा है, नाउन को, नाउन नहीं है आर्टिकल नहीं है, नो प्रॉब्लम, सो दिस सेंटेंस विल आल्सो राइट। ओके, तो यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे बात करते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट सेंटेंस का, क्वालिफाई नाउन, नॉट प्रोनाउन। आर्टिकल ऑलवेज अब नाउन को क्वालिफाई करेगा आर्टिकल, तो नाउन में क्या हो जाएगा, जैसे राम एग्जाम्पल, सीता, ये सब क्या है, नाउन है। लेकिन यदि मैं बात करूं आर्टिकल इज ने नॉट क्वालिफाइड प्रोनाउन, क्वालिफाइड प्रोनाउन, चूंकि आपने कभी ना देखा होगा कि जैसे ही, सी, इनके साथ ए, एन, द, इनकी प्रयोग कभी नहीं होती, मतलब ये कभी भी प्रोनाउन को क्वालिफाई नहीं करते। प्रोनाउन क्या है, जो नाउन को बार बार आने से रोकता है, नाउन के रिपीटेशन को बैन करता है, वही क्या है, प्रोनाउन। तो प्रोनाउन को आने से कौन रोकता है, ही, सी, इट, दे वगैरह, है ना। तो इनके साथ कभी भी आर्टिकल का यूज नहीं होगा, आर्टिकल का यूज हमेशा किसके साथ होगा, नाउन के साथ। अब इसमें एक चीज और है, देखिएगा, जैसे नाउन के साथ होगा तो मान लीजिए नाउन के पहले भी आ सकता है, ए आ सकता है, एन आ सकता है, या द आ सकता है। लेकिन यदि कंडीशन ऐसा हो रहा कि नाउन के पहले एडजेक्टिव आ गया, एडजेक्टिव आ गया, इसके बाद क्या है, नाउन है, और उसके पहले फिर इस केस में हम क्या लगाते हैं, ए, एन या कि द लगाएंगे। लेकिन एडजेक्टिव को कौन क्वालिफाई करता है भाई, एडजेक्टिव की भी जो विशेषता बताती है उसे क्या बोलते हैं, एडवर्ब बोलते हैं। तो मान लीजिए हमारे पास ये फर्स्ट केस हुआ, ये सेकेंड केस हुआ, और कुछ थर्ड केस हो जाता है जहां नाउन, और नाउन के पहले क्या है, एडजेक्टिव, और उसके पहले भी क्या है, एडवर्ब, और एडवर्ब के पहले हमें तब क्या लगाना पड़ेगा, ए, एन अथवा द। तो आप ये देख रहे हैं कि यदि नाउन है तो जस्ट नाउन के पहले ए एन द का प्रयोग किया जा सकता है, या कि फिर नाउन के पहले यदि एडजेक्टिव है तो एडजेक्टिव के पहले ए एन द का प्रयोग किया जाएगा। यदि आपके पास नाउन के बाद एडजेक्टिव, एडजेक्टिव के बाद एडवर्ब है तो उसके पहले ए एन द का प्रयोग किया जाएगा। अब देखते हैं इनके कुछ खास एग्जाम्पल। सेम है जैसे मैं पहले भी लिखा था, आप इसको ऐसे कर सकते हैं, राम इज अ
एन ऑनेस्ट, राम इज ऑनेस्ट। राम क्या है? एक ईमानदार है। तो क्या ये क्वालिफाई किया? यहां नाउन नहीं है, ये क्या है आपका? ये फिर से क्या हो गया? एडजेक्टिव। तो क्या ये सही होगा? अभी जैसे हम चर्चा किए थे प्रिया इज ऑनेस्ट, यहां क्या बोल रहा? ए एन द कब लगेगा? जस्ट नाउन के पहले। यदि नाउन के मतलब नाउन नहीं है तो ए एन द का कोई रोल नहीं है, ठीक है। तो यहां हम इसका प्रयोग नहीं कर सकते, है ना। हमें क्या लिखना पड़ेगा? यदि हम इसके पहले एन लगा दें, ए राम इज ऑनेस्ट, सो दिस इज गुड, नो प्रॉब्लम, यहां चल जाएगा। क्योंकि यहां नाउन के पहले ए लग गया, ठीक है। अब दूसरा देखते हैं, नाउन फिर एडजेक्टिव और इसके पहले ए एन द, तो इसे हम क्या कर सकते हैं? राम इज, यहां छोड़ दें, ऑनेस्ट बॉय। अब यहां हम क्या लगा सकते हैं? देखिए, ये हो गया नाउन, ये हो गया आपका एडजेक्टिव, और यहां क्या लग जाएगा? आर्टिकल एन। यहां लग गया आर्टिकल एन, यहां हो गया एडजेक्टिव, और यहां हो गया क्या? नाउन। तो इस तरह से ये क्या हो गया? राम इज ऑनेस्ट, ओके। अब तीसरा जो है कि हमें क्या लगाना पड़ेगा? नाउन, नाउन के पहले एडजेक्टिव, एडजेक्टिव के पहले एडवर्ब, एडवर्ब के पहले ए एन द का प्रयोग करना। चलिए समझते हैं, एक और सेंटेंस ले लेते हैं। राम इज वेरी गुड बॉय। अब यहां देखना है कि ये हमारा क्या हो जाता है? नाउन, ये हो गया एडजेक्टिव, और ये क्या हो गया? एडवर्ब। मतलब यहां जो क्रम लिखा है, नाउन एडजेक्टिव एडवर्ब, तो नाउन की विशेषता कौन बता रहा? गुड। और गुड की भी विशेषता कौन बता रहा? वेरी। मतलब ये क्या हो गया? एडजेक्टिव, नाउन की विशेषता एडजेक्टिव बताया, एडजेक्टिव की विशेषता कौन बताया? एडवर्ब बताया। तो राम इज, अब भी है तो इसके साथ क्या लगेगा? ही। राम इज अ वेरी गुड बॉय, ओके। राम इज अ वेरी गुड बॉय, ये तीनों पार्ट को क्या कर रहा है? तीन चार जो पार्ट है इसके, इनको क्वालिफाई कर रहा। होप यू विल गेट अंडरस्टैंड, ओके। तो इस तरह से हम किसी भी आर्टिकल का यूज करते हैं। ध्यान ये देना है कि जब डिफिनिट हो तब आपको द लगाना है, जब इनडिफिनिट हो तो ए और एन लगाना। इसके आगे भी रूल्स बात करेंगे कि आगे हम किस तरह से और सेंटेंस बना सकते हैं। अभी देखते हैं कि वोवेल के साथ किसका प्रयोग किया जाएगा। वोवेल, वोवेल क्या हो गया? ए ई आई ओ यू, ए ई आई ओ यू के साथ हम किसका प्रयोग करते हैं? सामान्यतः एन लगाते हैं। बाकी इसके बाद जो बचे कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट 21 वर्ड्स, इनके साथ क्या लगा देते हैं? ए का प्रयोग करते हैं। अब इसमें ध्यान देने वाली बात है कि कुछ ऐसे वर्ड्स हो गए, जैसे देखिए यूनिट, यूनिट है यू, अब ए आई ओ यू, यानी यहां कायदे के साथ क्या लगना चाहिए? एन लगना चाहिए। क्या? एन। लेकिन इसका उच्चारण क्या हो रहा है? जब आप बोल रहे हैं क्या यूनिट, मतलब हिंदी का ये वर्ड आ रहा भाई यूनिट। अब यूनिट आ रहा मतलब कि ये क्या है? ये वोवेल तो नहीं है, स्वर नहीं है, ये क्या है? व्यंजन है, कॉन्सोनेंट है।
दैट मीन्स यहाँ हम एन का प्रयोग नहीं करेंगे भाई साहब, यहाँ ए लगेगा, ए यूनिट। ओके, तो इस तरह से सेकेंड यदि हम देखें और ये और है, इसको सामान्यतः आवर बोलते हैं लेकिन वो गलत है, इसका करेक्ट प्रोनंसिएशन आर होता है। अब आर है, यहां एच है, तो ए ई आई ओ यू के साथ एन लगाना है, यानी यहां क्या लगेगा, ए ई आई ओ यू तो है नहीं ये एच, यहां ये क्या है कॉन्सोनेंट है, तो यहां ए लगा दें। नहीं भाई साहब, इसका प्रोनंसिएशन क्या आ रहा है, आई आ रहा है, यानी यहां ए नहीं लगेगा बल्कि क्या लगेगा, एन लगेगा। अब देखिए ये क्या है, एक्सेप्शन है, कुछ अपवाद है कि लिख क्या रहे हैं आप, और स्टार्ट हो रहा है एच से लेकिन लग क्या रहा, एन लग रहा, तो ये जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसी तरह से देखते हैं ऑनेस्ट, ऑनेस्ट के साथ क्या लगेगा, फिर से एच से स्टार्ट हो रहा, ए लगा दो, लेकिन नहीं, आप ये देखिए कि इसका प्रोनंसिएशन क्या आ रहा, ऑनेस्ट, यानी आ से स्टार्ट हो रहा, और जब आ से स्टार्ट हो रहा यानी वोवेल है, तो इसके साथ क्या लगेगा, एन लगेगा, भलाई ये एच है, तो एच को आप बोलोगे कि कंसोनेंट है तो इसके साथ एन लगना, ए लगना चाहिए, लेकिन नहीं, इसका जो करेक्ट प्रोनंसिएशन आ रहा वो आई आ रहा, इसलिए क्या लगेगा, इसमें एन का यूज होगा। ठीक है, और कुछ वर्ड्स देखते हैं, जैसे देख लीजिए वन बॉय, वन बॉय हुआ, अब यहां ओ है, तो ओ है तो क्या लगा दें, एन लगा दें, लेकिन जब हम प्रोनंसिएशन इसका क्या आता है, वन, और वा क्या है, वा हमारा क्या है, कॉन्सोनेंट है, इसलिए एन का यूज नहीं होगा, क्या लगेगा, यहां ए लगेगा, ए वन बॉय। ओके, सो दिस इज रॉन्ग एंड दिस इज राइट। इसके बाद इसी तरह से यूजफुल, यूजफुल में क्या लगेगा, ये स्टार्ट हो रहा है यू से, यानी कि कॉन्सोनेंट है, तो क्या लगा दें, कॉन्सोनेंट है तो ए लगा दें, नहीं, यू, अब यू है तो क्या लगेगा, ए लगेगा। आप देखेंगे बोलेंगे अरे ये तो वोवेल है भाई, एन लग जाना चाहिए, लेकिन एन नहीं लगेगा, यहां क्या लगेगा, ए लगेगा। आ रही है ना इस बात समझ में। आगे देखें, यदि हो गया ओल्ड वुमेन, ओल्ड वुमेन, ओ है, ओ यहां भी आ रहा, एन लगा दें यहां, लेकिन नहीं, ओ बोल रहे ना हम, ओ बोल रहे ओल्ड, तो क्या आ रहा, फर्स्ट ओ आ रहा, इसलिए क्या नहीं लगेगा, एन नहीं लगेगा, बल्कि क्या लगेगा, यहां ए लगेगा, ए इज करेक्ट, चूंकि ओ सॉरी ओल्ड करेक्ट प्रोनाउंसिएशन इसका क्या आ रहा, एन ही लगेगा, नो प्रॉब्लम, एन ओल्ड वुमेन। ओके, आशा करता हूं आपको ये सब समझ में आ गया होगा। ठीक है, एक इसके आगे सेकेंड पार्ट में चर्चा करेंगे कि और कैसे उपयोग करना। एक जरूरी इंफॉर्मेशन है कि अपने चैनल का नाम चूंकि सर्च लिस्ट में बहुत ही नीचे आ रहा था, इसलिए मैंने इसको चेंज करके PLUS+247 कर दिया है। आप इस नाम से +247 में सर्च कर लीजिएगा, या कि इंग्लिश बाई पी के तिवारी या +24 बाई पी के तिवारी आपको चैनल सर्च में मिल जाएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।